ना इसका जो इस्लामिक जो चीज़ है इस्तकामा अल मुदावमा तो अल्लाह तआत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और हम इस बारे में इंशाल्लाह बात कर लेते हैं कि व्हाई कंसिस्टेंसी इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवमुहा व इन कल्ला। सबसे महबूब अमाल अल्लाह ताला को जो पसंद हैं, बेहतरीन अमाल कौन से हैं? अदवमुहा व इन कल्ला, हमेशा किए जाने वाले अमाल व इन कल्ला, चाहे थोड़े क्यों ना हो। मैं आपको इस्लाम का मिजाज बताऊं, इस्लाम का मिजाज ये नहीं है कि हम तो बन के जो है ना कुछ दिन कमाल के अमाल करें, उसमें सदका खैरात भी है, कुरान की तलावत भी है, दो पारे पढ़ रहे हैं रोज़ाना, गरीब मस्कीनों की मदद भी कर रहे हैं, और तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, और पांच वक्त की जो है ना नमाज जमात के साथ ही पढ़ रहे हैं, और बाल रखते भी पढ़ रहे हैं, और मतलब हर चीज़ कर रहे हैं, और फिर हफ्ते बाद, दो दिन बाद, महीने बाद हमने सब कुछ छोड़ दिया और वापस बैक टू ज़ीरो हो गए, या सिर्फ बेसिक पाँच नमाज़ों पर आ गए। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज क्या है कि थोड़े अमाल करो, थोड़े अमाल करो, लेकिन हमेशा करो, उनमें कंसिस्टेंसी इख्तियार करो। ये दीन का मिजाज है कि चाहे चार रखते ही पढ़ो रात तहज्जुद में, लेकिन सारी ज़िंदगी पढ़ो। ये ना करो कि 20 रखते हैं या 30 रखते हैं, रोज़ाना पढ़े और रमज़ान की रातों को, और फिर सारा साल तहज्जुद के लिए उठे ही नहीं। ये दीन का मिजाज नहीं है, क्योंकि वो शायर कहते हैं अमल अम्मा तराब अलमा बितकरारी ही, कि यू सी के जो पानी जो गिर रहा होता है, उसका ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा होता है, फिर सखरत समाई कद असर, वो जो जो पत्थर है, स्टोन है, उसमें जो सुराख करता है वो किस लिए करता है? हालांकि कतरा पानी का क्या कर सकता है, और एक बड़े स्टोन में यू कैन डू नथिंग, लेकिन द पॉइंट इज इट इज़ फॉलोइंग ऑन द सेम रॉक अगेन एंड अगेन विद कंसिस्टेंसी एवरी सिंगल डे, जो कि उसमें सुराख कर देता है। तो एक कतरा जब एक पहाड़ में, एक स्टोन में सुराख कर सकता है विद कंसिस्टेंसी, तो हम क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते विद कंसिस्टेंसी। आप देखें कंसिस्टेंसी एंड फोकस इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पेज को सूरज के सामने रखें तो सूरज की रोशनी पड़ी होती है और पेज को फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट मैग्नीफाइंग ग्लास को आप रखें सामने तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास करते सारी जो उसकी रेज है वो डाइवर्ट करता है एट अ फोकल पॉइंट, एट वेरी सिंगल पॉइंट, और वहाँ से आप देखते हैं पेज जलने शुरू हो जाता है। वाई? बिकॉज वेन यू पुट ऑल योर एफर्ट्स इन लिमिटेड थिंग्स, बेशक आप हर जगह जो दो कश्तियों के सवार या 50 कश्तियों के सवार ना हो, लेकिन दो तीन काम करें, लेकिन उनमें एक्सपर्ट बन जाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर बंदा एक्सपर्ट्स को याद रखता है, और कोई इंसान, कोई शख्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स को याद नहीं रखता, मतलब यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन वन। हज़रत आयशा के बारे में आता है कि वो जब भी कोई अमल शुरू करती आमिलतुल अमल लाजिमत हो, वो जब भी कोई अमल शुरू करती वो उस पर हमेशा की इख्तियार करती थी। ऐसा नहीं था कि कुरान शुरू कर दिया फिर दो साल बाद, तीन साल बाद छोड़ दिया, या तहज्जुद शुरू की फिर छोड़ दी, नहीं। इज़ा आमिलल अमल लाजिमत हो, जब भी वो कोई अमल करती उस पर लाजिमत इख्तियार करती, हमेशा की इख्तियार करती। और कुरान में जो स्टोरी आती है, अल्लाह के सल्लम ने उसके बारे में अभी फरमाया, कुरान में आके आता है वला तकूनु कल्लती नकज़त गज़लहा, कि उस औरत की तरह मत बने जो कि एक नॉट और एक जो है ना एक बड़ा जो टाई करती है विद विद डिफरेंट कपड़े और विद यू नो स्विंग मशीन्स, और वो सारा मशीन्स खैर नहीं थी, उस नीडल्स के साथ एक बड़ी गांठ लगाती है, मिन बाद कुव्वतिन अनकाथा, और उसके बाद वो सारी एफर्ट करने के बाद उसको अनटाई कर देती है। क्योंकि मक्का में एक औरत थी, शी वॉज नॉट मेंटली नॉर्मल, वो क्या करती थी सारा दिन, अल्लाह ने फरमाया कि वो उसके बारे में ये आयत नाज़िल हुई कि सारा दिन वो उस नॉट को लगाती थी और उस पर सारा दिन एफर्ट करती थी, और जब रात दिन गुजर जाता और रात आती तो फिर उसको अनटाई कर देती थी। अल्लाह ताला फरमाते कि ऐसे इंसान की तरह मत बनो कि जो मेहनत तो करें और फिर उसको अनटाई कर दें। रमज़ान में इतनी एफर्ट की, कुरान से ताल्लुक बनाया, रमज़ान के बाद शवाल में बिल्कुल भूल गए जैसे हमारा कुरान से कोई ताल्लुक था अभी या नहीं। रमज़ान में हिजाब शुरू किया है, दाढ़ी रखी और नमाजें पढ़ी, और रमज़ान गुजरा तो बिल्कुल भूल गए कि हमारा मस्जिद से कोई ताल्लुक था या नहीं। मस्जिद मैं तो जी रमज़ान की रमज़ान जाता हूँ। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, रादर उन लोगों को पसंद करते हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, प्रेज़ करते हैं लोगों को, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून,
जो मेरे बंदे हैं ना, जो इबादुर रहमान हैं, जो अल्लाह ताला के करीबी मुत्तकी बंदे हैं, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, वो क्या करते हैं, वो अपनी नमाजों में दाइमून हमेशा की इख्तियार करते हैं। ये नहीं कि कभी नमाजें पढ़ ली, कभी छोड़ दी, नहीं, हमेशा की इख्तियार करते हैं। और हम लोग, कुछ लोग तो हमेशा अनफॉर्चुनेट जुमे के जुमे मस्जिद जाते हैं, कुछ लोग कभी गए नमाजों पर फिर छोड़ दिया नमाजों को, और कुछ लोग सिर्फ रमज़ान के रमज़ान मस्जिद जाते हैं। कैसे होता है कि रमज़ान में मस्जिदें भर जाती हैं? ये लोग कहाँ से निकल के आते हैं? कोई पहाड़ों से घरों से तो नहीं आते, ये वहीं के नेबर्स होते हैं। तो फिर बाकी 11 महीने क्या रब उन्हें रिस्क नहीं दे रहा कि बाकी 11 महीने उनके पास सेहत नहीं है या उनको सांस नहीं आ रहा? क्या अल्लाह की नेमतें उस तरह से नहीं उन पर पड़ रही? देन वाई डू पीपल लीव अल्लाह सुब्हान व तआला इन द रेस्ट 11 ईयर्स? अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी ज़बान से बुलवाते हैं, औसानी बिस्सलाती व ज़कती मा दुमतु हय्या, कि मुझे वसीयत की कि मैं नमाज पढ़ूँ और ज़कात दूँ। कब तक? एक साल, दो साल या रमज़ान? नहीं, मा दुमतु हय्या, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ। यह अल्लाह ताला अम्बिया को वसीयत कर रहे हैं। अल्लाह के मियो क्या फरमा रहे हैं? वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, आप अपने रब की इबादत करें कब तक? जब तक आपको मौत ना आ जाए। यहाँ पे यकीन से मुराद जो है ना, आपकी वफ़ात है। आप अपने रब की तब तक इबादत करते रहें जब तक आपको बुलावा ना आ जाए कि अब इस दुनिया में रहने का टाइम ख़त्म हो गया। ये अल्लाह के वसल्लम को और ईसा सलाम को वसीयत, तमाम अम्बिया को ये वसीयत थी। और तो हम लोग ऐसे क्यों हैं कि जो कुछ टाइम तो करते हैं, कुछ नहीं करते? एक मुसलमान, एक मोमिन ऐसा नहीं होता कि कोई अमल शुरू करे और उसको छोड़ दे। बिकॉज मन शब आला शई शाब आलाई, जो जिस चीज़ पे ज़िंदा रहता है उस पर मौत आती है, और जो जिस पे मरता है, ममात आला शई वो ऐसा आलाई, जो जिस चीज़ पे मरता है उसी पर उठाया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी पास में कैसे गुजरी। असल देखा जाएगा कि हमारी मौत किस चीज़ पर आई है। अगर तुम्हारी मौत दीन पे और नेक अमाल करते हुए आई है, दिल अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लोग। अगर हम बहुत तहज्जुद गुजार और बहुत नेक लोग थे पहले, लेकिन हमने मौत से पहले इन अमाल को छोड़ दिया, तो फिर हमारा जो अंजाम होगा वो उसी तरह से होगा जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक शख्स सारी ज़िंदगी जन्नतियों वाले अमाल कर रहा होता है, हत्ता कि वो जन्नत के करीब पहुँच जाता है और वो उसका दिल पलट जाता है, वो बदल जाता है, और वो कुछ ऐसे अमाल कर बैठता है जो जहन्नमी वाले होते हैं। एंड ही डाइज देयर, उसे नहीं पता होता कि मैंने मरना है। वो कुछ ऐसे गुनाह कर बैठता है जिसमें वो जहन्नमी वाले अमाल होते हैं। एंड ही एंड्स अप इन जहन्नम। क्यों? क्योंकि सारी ज़िंदगी उसके दीन पे थी, नेक अमाल कर रहा था, फिर जहन्नम में क्यों? क्योंकि ही डाइड अपॉन दोज डीड्स। मम्मा तलाशा ही बोए साल, जो जिस चीज़ मरेगा उसी उठाया जाएगा। और एक शख्स सारी ज़िंदगी गुनाह वाले अमाल कर रहा होता है, जहन्नमी वाले अमाल, और फिर मरने से पहले उसको नहीं पता तो मैंने मरना, ही यू नो मेक्स अ डिसीजन एंड ही चेंजेस हिज लाइफ, और वो जन्नतियों वाले अमाल करता है एंड ही डाइज, वो जन्नत में डाल दिया जाएगा। पिछला रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा कि कितने इसने काम किए, कितने वो नहीं किए, नहीं। असल बात यह कि हम मरे किस चीज़ पर हैं, दैट्स द रीज़न। कंसिस्टेंसी अपॉन एक्शंस इज़ वेरी अलमुदावमातु अला तौआत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।